टू ऑल ऑफ़ यू आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास एट्थ चैप्टर वन ऑफ जियोग्राफी रिसोर्सेज और इस वीडियो के लिए हमें रक्षा ने मेल मैसेज किया था उनकी रिक्वेस्ट पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट रिसोर्सेज रिसोर्सेज क्या होता है वॉट इज रिसोर्सेज हमारे मन में अक्सर ये चीज़ें आती है हर वो चीज़ जो हम अपने आस देखते हैं जिनसे हम कुछ काम करते हैं रिसोर्स का मतलब होता है बेसिकली अगर आप डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे तो हिंदी में होता है द टूल और द हिंदी में हम कहते हैं स्रोत तो किसी भी चीज़ से हम जो काम करते हैं जो हमें हमें काम आता है सो रिसोर्स होता है अब जियोग्राफी पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा हम फिजिकल फीचर्स पे पढ़ रहे हैं क्यों हम जियोग्राफी जैसा आप सभी जानते हैं जियोग्राफी इज ऑल अबाउट द जियो मीन्स अर्थ ग्राफी मीन्स राइटिंग सो अर्थ के बारे में आप हर एक स्टडी करते हैं तो उसे जियोग्राफी कहते हैं रिसोर्स रिसोर्स पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से लैंड आप जैसे स्कूल स्कूल अगर स्कूल नहीं होगा कोचिंग्स नहीं होंगी तो क्या सच में आपके अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट आना चाहिए वो आ पाएगा आ सकता है लेकिन टाइम लगेगा क्या होगा जब आप स्कूल अच्छे स्कूल्स पे पढ़ते हैं अच्छे कोचिंग से पढ़ते हैं अच्छे टीचर्स के साथ में रहते हैं तो जो सीखने में आपको शायद वन मंथ लग जाए वो वन वीक में सीख सकते हैं बिकॉज ऑफ द गाइडेंस सो दैट ऑल द ऑल द रिसोर्सेज सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर मोना एंड राजू वर हेल्प हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस स्टार्ट हो रही है हमारी ये जो बुक है वो एक बेसिकली बता रहे हैं आपको कि कन्वर्सेशन के साथ में स्टार्ट हो रही है मोना राजू जो है वो अम्मा की हेल्प कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड वर्क में तभी वो अपनी मॉम को बोलते हैं यू लुक एट ऑल दिस थिंग्स क्लॉथ्स यूटेंसिल्स फूड ग्रेन कॉम एंड बॉटल ऑफ हनी बक्स ईच ऑफ दिस इज़ यूज सेड मोना मोना यहाँ पे सारी चीज़ों को कई बार आपने भी देखा होगा जब हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं हम तो हमारे मन में एक क्वेरी आती है क्या ये सब वे काम के हैं उसी तरह से यहाँ पे मोना के मन में जब हाउस को क्लीन करते समय क्वेश्चन आता है कि क्लॉथ्स कपड़े यूटेंसिल्स बर्तन फूड ग्रेन्स कॉम्स क्या ये सब काम के हैं दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट सैड अमा सो अमा उनको बोलती है ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज इनमें से इन सब का कोई ना कोई उपयोग है दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट सो अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करती है कि इसीलिए ही ये इम्पॉर्टेंट है दिस आर रिसोर्स तो ये सभी रिसोर्स होते हैं तो आपको क्या आप समझ में आया देखिए इसमें हमें डेफिनेशन बताई गई है रिसोर्स के बारे में बताया गया है सो व्हाट इज़ अ रिसोर्स आगे हम देख पाएंगे एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स एनी कुछ भी वह कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को सैटिस्फाइमेंट्स पूरा करने के लिए संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है उसे हम रिसोर्स कहते हैं हर वो चीज़ जिससे आपकी आवश्यकता पूरी होती है एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए पेन चाहिए वो भी एक रिसोर्स है आपको कॉपी चाहिए वह भी एक रिसोर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी वीडियो देख रहे हैं आप मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं इंटरनेट पे देख रहे हैं वो भी एक रिसोर्स है रिप्लाइड अमा अब हम उनको इस तरह से रिप्लाई करती है तो यहाँ आपको डेफिनेशन भी मिल जाती है रिसोर्स की वॉट इज रिसोर्स रिसोर्स इज दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज अ रिसोर्स एग्जाम्पल्स आर द बॉटल बुक हनी बुक ए लैंड एवरीथिंग इज अ रिसोर्स रिप्लाई नाउ लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप अपने आसपास देखिए और देखिए आप सोचिए कि किस तरह के आपके रिसोर्सेज हैं यू आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे द वॉटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी सो जैसा कि हमने देखा रिसोर्स की डेफिनेशन होती है हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं सो द वॉटर हम थी होते हैं और हम जब वाटर ले ड्रिंक करते हैं पपीते हैं तो हमें क्या मिलती है सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट्स वाई वाटर इज़ द रिसोर्स द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन द हाउस इज रिसोर्स जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हाउस पे घर पर वो भी एक रिसोर्स है क्योंकि उससे हम बल्ब से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं द रिक्शा जो रिक्शा हम यूज़ करते हैं घर से स्कूल पे जाने के लिए वो भी एक रिसोर्स है तो ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उसे रिसोर्स कहते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा वेजिटेबल टेक्स्ट बुक ये सारी हमारी रिसोर्सेज है दे ऑल हैव कॉमन यूज सो दे हैव यूटिलिटी इन सब का कुछ ना कुछ कॉमन यूज़ है इसीलिए इनकी उपयोगिता है यूटिलिटी है सो वॉट इज यूटिलिटी अनदर क्वेश्चन इज द यूटिलिटी सो द यूटिलिटी इज़ यूजबिलिटी वॉट मेक्स द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो चीज़ें होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है सो so ये भी आ सकता है आपका यूटिलिटी और यूजबिलिटी इज़ वाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट रिसोर्स एग्जाम्पल जैसे आपको यूटिलिटी क्या हुई जैसे वाटर की यूटिलिटी क्या हुई टू सेटिसफाई द थर्स्ट तो उसकी यूज़ उसके यूज़ के बेस पे अगर कोई चीज़ उपयोगी ही नहीं है तो क्या वो रिसोर्स होगा नो बिकॉज रिसोर्स की डेफिनेशन है एनी थिंग विच कैन सेटिसफाई ह्यूमन नीड हाउ डज अब कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती कैसी है राजू अब यहाँ पे राजू और मोना जो हमने स्टोरी देखी थी सो अब राजू यहाँ पे पूछते हैं हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स कुछ भी चीज़ें रिसोर्स कब बनती है कैसे कोई चीज़ें रिसोर्स बन सकती है अमा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली वेन दे हैव वैल्यू अब यहाँ पर अमा समझाती हैं बच्चों को कि रिसोर्स कोई भी चीज़ रिसोर्स बन सकती है जब उसकी कीमत होती है वैल्यू होती है वॉट इज़ वैल्यू अब एक नया क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू क्या होती है सो वैल्यू इट्स यूज और यूज यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू सैडम अब सारे जो रिसोर्स है वो वैल्यूएबल है उनकी कुछ ना कुछ कीमत है कुछ ना कुछ प्राइस है कुछ ना कुछ, कुछ इम्पॉर्टेंस है हालांकि ए और फ्री है लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन जब आप सिलेंडर एज अ सिलेंडर देखते हैं तो ऑक्सीजन की भी वैल्यू है हर एक चीज़ की हमारे आसपास जिसकी वैल्यू होती है वैल्यू मीन्स वर्थ वैल्यू का मतलब होता है कि कीमत पैसे से जब हम बोलते हैं ना वर्दी कितनी ज्यादा कोई चीज वर्दी है सम रिसोर्स है इकोनॉमिक वैल्यू कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं इकोनॉमिक मीन्स पैसे से कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी पैसे में वैल्यू होती है सम डू नॉट कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिनकी पैसे में वैल्यू नहीं होती लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू मेटल्स कोई भी धातु जो रहती है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम उनकी वैल्यू होती है पैसों में अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप नॉट एक ब्यूटिफुल लैंडस्केप लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक नज़ारा कोई भी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत लगती है दिखने में अब ये रिसोर्स कैसे हुई क्योंकि आपको जब कभी आप टेंस है लेकिन आपको एक नीड है कि पीस की मेंटल पीस की कोई प्रकृति का सेम कोई प्राकृतिक चीज़ें देख कर अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी तो रिसोर्स हुई दैट्स वाई सो लेकिन क्या उसकी कोई वैल्यू है आप बताइए कि ताजमहल आप देखते हैं आप किसी बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं गार्डन पे जाते हैं क्या उसकी कोई वैल्यू होती है कीमत होती है पैसे में आप उसे पैसे से तोड़ सकते हैं क्या नहीं तोड़ सकते बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स दोनों ही चीज़ें जो हमने देखा एक खूबसूरत नज़ारा और एक मैटर दोनों की ही लैंडस्केप पे दोनों की ही वैल्यू है और दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल विद टाइम कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो समय के साथ में ज़्यादा कीमती होते जाते हैं आपकी जो ग्रैंड मदर्स की होम रेमेडीज़ है जो ग्रैंड मॉम कई बार आपने देखा होगा जैसे हम कहते हैं दादी माँ के नुस्खे दादी अब ये ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ क्या है आपने अक्सर देखा होगा कि छोटी मोटी अगर हमें कोई भी परेशानी आती है हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें घर पे मिल जाता है लाइक टर्मरिक ईफ हमें अगर कहीं पर कट लग जाते हैं हम यहाँ पर टर्मरिक डालते हैं घर पर ही है हमारे तो तुरंत ही ब्लड्स क्लाट्स रुक जाते हैं हम बासिल लीव्स खा सकते हैं तुलसी के पत्ते खाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जिस जो नॉर्मल कफ कफ होती है स्टीम ले सकते हैं तो ये सब ग्रैंड मदर्स होम रेमोडीज़ मीन्स दादी माँ के नुस्खे आज की डेट पे इसकी कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है पैसे से इसकी कोई वैल्यू नहीं है बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म टूमोरो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल लेकिन मान लीजिए उस पर कोई पेटेंट कर लिया है अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है आपके लिए पेटेंट ये पेटेंट होता क्या है सो पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन कोई बहुत सारी चीज़ें तो हैं लेकिन उसके उसे अपना नाम देना उसे अपने नाम से रजिस्टर कराना जैसे थॉमस एल्वा एडिसन सर ने क्या किया था बल्ब का इन्वेंशन किया बल्ब का इन्वेंशन करते साथ उन्होंने क्या किया बल्ब को खुद के नाम से पेटेंट करा लिया रजिस्टर करा लिया कि हाँ मैंने बल्ब को सर्च किया है लॉ ऑफ मोशन आप देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम से उस चीज़ को पेटेंट रजिस्टर करा लिया सो वही चीज़ है कि ग्रैंड मदर सो so यहाँ पे वही टर्म यूज़ हुआ है पेटेंट देखिए ग्लॉसरी में भी दी हुई है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन किसी भी चीज़ के आइडिया के ऊपर इन्वेंशन के ऊपर राइट होना इसे हम कहते हैं पेटेंट तो ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया है बुक का लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्दर टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इन टू रिसोर्स टाइम और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब मीन्स होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रौद्योगिकी और वे चीज़ें जिनमें इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी क्या होती है टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि हम आज की डेट में जो फ़ोन यूज़ करते हैं स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ये पार्ट है एक टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी ग्लॉसरी वर्ड पे भी दी हुई है देखिए मिनी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स किसी भी चीज़ को जो हम बनाते हैं या जो करते हैं उसे अगर हम उपयोग में ले आए उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं सो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज सब्सटेंस है जिससे कि कोई भी रिसोर्स सब्सटेंस कोई भी पदार्थ रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है एग्जाम्पल देखिए एक टाइम था कि प्लांट्स या सारे रॉक्स थे जो बरी हो गए बिलो द अर्थ और बहुत सारे टाइम के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो गए वो कन्वर्ट हो गए आयरन वो कन्वर्ट हो गए कोल एंड और में सो so, कोल में वो कन्वर्ट हुए कब बहुत सारे टाइम के बाद में सो so, टाइम ने क्या किया वो सारे जो बेसिकली एनिमल्स थे प्लांट्स थे उसको उन्होंने एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया कोल में ये सारी जो रिलेटेड है दोनों ही टाइम और टेक्नोलॉजी रिलेटेड है एक दूसरे से रिलेटेड है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं पीपल देम लोग जो होते हैं वो ख़ुद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं इट इज़ देयर आइडिया नॉलेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लेट क्रिएशन मोर रिसोर्स ये लोगों का आइडिया होता है इन्वेंशन होता है और उनकी खोज होती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं ईज डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स एक डिस्कवरी एक खोज भी होती है एक इन्वेंशन होता है उससे बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के साथ फ़ैन लाइट बाकी सारे इन्वेंशन भी रिलेटेड है वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है द डिस्कवरी डिस्कवरी क्या होता है डिस्कवरी और इन्वेंशन के बीच में पहले से आपने एक्सप्लेन सोचा जस्ट पढ़ा होगा डिस्कवरी डिस्कवरी वो होती है जो पहले से रहती तो है लेकिन हम उसे एक्सप्लोर खोजते हैं बाद में सर्च करते हैं एक्सप्लेन करते हैं इन्वेंशन वो चीज़ें होती हैं जो इस दुनिया में होती ही नहीं है लेकिन हम उसे बनाते हैं उसे इन्वेंशन कहते हैं सो डिस्कवरी ऑफ फायर यही पे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ही फायर की खोज हुई जब सबसे पहले हमारे होमो सेपियंस के बाद में जो फोरफादर्स थे उन्होंने जब फायर की इन्वेंशन की सो so फायर की इन्वेंशन के बाद में वो इन्वेंट कर पाए कुकिंग की अदर प्रोसेसेस को व्हील व्हील के डेवलपमेंट के बाद में ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ बाइसिकल आई ट्राईसाइकिल आई देन आफ्टर टू व्हीलर्स आए फोर व्हीलर्स आए बहुत सारे डेवलपमेंट हुए सो द टेक्नोलॉजी क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं जो कि आज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है सो दैट इज़ द रिसोर्स नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्स टाइप्स का मीन्स कितने टाइप के होते हैं अब ये रिसोर्स तो हमने देख लिया लेकिन ये रिसोर्स होते कितने टाइप के हैं तो जो इस पर इंपॉर्टेंट है आपको कि बेसिकली रिसोर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स नेचुरल नेचर से आया है ये वर्ड नेचर मीन्स प्रकृति जो हमें चीज़ें बाई सेल्फ मिलती हैं गॉड गिफ्टेड मिलती हैं सो नेचुरल नेचुरल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो बिना किसी सो रिसोर्सेज दैट ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मॉडिफिकेशन इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स वे सारे रिसोर्स जिसे हम नेचर से ले सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं एग्जाम्पल हमारे आसपास जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नेचर ने फ्री दी है एयर हम जो ब्रीथ करते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कैन यू अंडरस्टैंड हम सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन एयर और वो भी हमें नेचर से मिली है वाटर नेचर से मिली है रिवर नेचर से मिली है लैग्स मिनरल्स ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं ये जो रिसोर्स हैं ये फ्री गिफ्ट है नेचुर नेचर्स के एंड हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजी हैं जिनसे हम इसे इस रिसोर्सेज को बेस्ट कर सकते हैं सो नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी सी कि जो नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट पे हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं अब नेचुरल रिसोर्स को भी हम फॉरगेट कर सकते हैं बांट सकते हैं टू टाइप्स में रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल री मीन्स फिर से न्यू मीन्स नया एबल मीन्स योग्य तो यहाँ वर्ड पे देखिए अगर आप रूट वर्ड्स इंग्लिश के देखेंगे तो वर्ड में ही क्वेश्चन में ही आपको सेवेंटी परसेंट आंसर मिल जाता है इसीलिए आपको हमेशा हर एक वर्ड्स को फोकस करना है री न्यू एबल री का मतलब होता है फिर से न्यू का मतलब होता है नया एबल योग सो नेम से ही क्लियर है वह रिसोर्स जो हमें फिर से मिल जाता है उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं नॉन रिन्यूएबल नॉन का मतलब होता है नहीं रिन्यूएबल मतलब फिर से योग पाया जाना सो so, जिसे फिर से नया नहीं बना सकते उसे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं अब हम बुक की डेफिनेशन पे देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली जिसे हम लोग ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम फिर से नया बना सकते हैं या तो फिर से पा सकते हैं उसे रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेस कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से नहीं अफेक्ट होते लाइक सोलार एनर्जी सोलार एनर्जी विंड एनर्जी क्या ये अफेक्ट होती है दे आर अनलिमिटेड सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाटर इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज बट मेजर प्रॉब्लम मैनी पार्ट्स बट शॉर्टेज लेकिन आज की डेट पर हम लोग देखते हैं कि वाटर भी वाटर के जो क्राइसिस है वो भी बहुत सारा मेन प्रॉब्लम है अर्थ का नॉन रीनबल रिसोर्स नॉन रीनबल रिसोर्ज आर दो रिसोर्स लिमिटेड जो स्टॉक स्टॉक क्या होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज स्टॉक तो ऐसे रिसोर्स जो बहुत कम हैं हमें और जो एक बार खत्म हो गया तो फिर से नहीं मिल सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन रीनएबल रिसोर्स सो दैट इज एग्ज़ाम्पल आर द कोल पेट्रोलियम ये नेचुरल गैस ये सभी एग्जाम्पल हैं नॉन रिनीबल रिसोर्स के ह्यूमन मेड रिसोर्स ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसे ह्यूमन ने बनाया है सो एनी रिसोर्स विच इज़ मेड बाई द ह्यूमन इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स एग्जाम्पल हर वो चीज़ पीपल लाइक नेचर रिसोर्स रोड्स इलेक्ट्रिसिटी हॉस्पिटल मशीन जो भी हमने ह्यूमन ने क्रिएट की है उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स नाओ ह्यूमन मेड रिसोर्स के बाद ह्यूमन रिसोर्स सो यहाँ पर टू टर्म्स है देख सकते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन मीन्स मैन पर्सन रिसोर्स मीन्स हमने देखा एनीथिंग विच कैन सेटिसफाई ह्यूमन नीड सो जब कभी एक कोई पर्सन ह्यूमन की नीड को सेटिसफाई करते हैं उसे ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं अब आपको ये लग रहा होगा कि कैन ह्यूमन सेटिसफाई कैसे ह्यूमन कर सकते हैं तो हर जगह पर जब कभी आप बीमार होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं डॉक्टर के पास सो डॉक्टर्स आर द ह्यूमन रिसोर्स जब कभी आपको पढ़ना होता है तो आप कहाँ जाते हैं स्कूल सो टीचर्स आर द ह्यूमन रिसोर्स फैक्ट्रीज़ पे वर्क करना है तो कौन मिलेंगे आपको ह्यूमन दैट्स वाई ह्यूमन आर द इट इज द ह्यूमन रिसोर्स सो ह्यूमन रिसोर्स आर द पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्स जो लोग होते हैं वही ह्यूमन रिसोर्स है एजुकेशन एंड हेल्थ मेक द वैल्युबल रिसोर्स एजुकेशन और हेल्थ जो होता है वो पीपल को और ह्यूमन और इम्पॉर्टेंट बना देता है और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना जब हम लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं ज़्यादा एजुकेट करते हैं तो ये बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्विंग रिसोर्स कंजर्विंग का मतलब होता है रिसोर्स को बचाना सो so, बचाने रिसोर्स को हमें बचा के भी रखना जरूरी है नमूना को यहाँ पे एक दिन एक ड्राइट में आया सपना बुरा सपना आया कि सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए अर्थ से और अर्थ ड्रॉ हो गई है इसका मतलब क्या है अगर सच में हम अपने रिसोर्सेस को बचा कर यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे दैट्स वाई सो वॉट इज रिसोर्स कंजर्वेशन यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिनीड इस कॉल्ड रिसोर्स कन्जर्वेशन सारी रिसोर्स को सावधानीपूर्वक यूज़ करना और उन्हें समय देना रिन्यू करने के लिए उससे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं और समय के साथ साथ इस रिसोर्स को सेफ रखना इतना उपयोग करना कि आज के लिए जितना जरूरी है जैसे मान लीजिए आपके पास हंड्रेड रुपीज़ हैं आपने फिफ्टी रुपीज़ आज खर्च किए फिफ्टी रुपीज़ फ्यूचर के लिए रख दिया उसी तरह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि वो बैलेंस बना के रखना आज की ज़रूरतों को भी आपने पूरा किया और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखा उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दैट वी हैव कम्प्लीटेड ऑल दिस चैप्टर ऑफ रिसोर्सेज इफ़ वी हैव ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है सो प्लीज़ राइट अज ऑन कमेंट डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे अगर आपको क्वेश्चन आंसर में भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ टेल अस वी विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर क्वेश्चन आंसर फॉर यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट फॉर दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वे वॉचिंग लास्ट पे हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स एक बहुत ही लिमिटेड हमें मिले हैं तो ये चैप्टर आपको अपने आसपास ही देख के जियोग्राफी आपको आसपास को देख के रिलेट करना है सो रिलेट योर सब्जेक्ट विथ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू